नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक ट्राइपॉड का जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, अमेज़ोन इंडिया से। तो ये जो है वैनगार्ड का एक ट्राइपॉड है, इस तरह का ये ट्राइपॉड आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है वो वैनगार्ड ट्राइपॉड एस्पोड CX203 AGH, बहुत लंबा नाम है। तो एक्चुअल में थोड़ा सा डिस्काउंट पर मिल रहा था, फ्लिपकार्ट के कंपेयर में अमेज़ोन पर सस्ता था तो मैंने ले लिया। एक्चुअल में बहुत ही महंगा ट्राईपोड है, इसकी अभी जो कॉस्ट है 3899 है। मैंने कुछ 3890 रुपीज़ में लिया था, तो कुछ 9 रुपये बढ़ गए हैं। तो ये ट्राईपोड जो है उसका थोड़ा सा लेंथ है वो देख लेते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में तो इसका जो वेट है वो 1.7 kg है और डायमेंशन ऑफ द पैकेज लिखा है, इसकी हाइट नहीं लिखी है यहाँ पे। तो इसको जो है इसकी हाइट हम अमेज़ोन USA की वेबसाइट से देख लेते हैं। कई बार यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं अमेज़ोन इंडिया पे, वो अच्छे से वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 61 इंच है और उसके अलावा 3 सेक्शन लेग है, 360 पेनिंग इसमें होता है, एंटी शॉकिंग रिंग है, बबल लेवल है, फ्लिप लॉक्स है और पिस्टल ग्रिप हेड है उसमें। तो बस इतना ही है। और इसकी ये जो है मैक्सिमम कितना वेट उठा सकता है, ओके तो ये जो है एक्सटेंड होता है 61 इंच तक और ये फोल्ड हो जाएगा तब उसकी हाइट है 23.3 इंच। और उसमें कितनी कैपेसिटी तक उठा सकता है वो लिखा नहीं है, उनको देखना पड़ेगा एक बार। सभी जगह आधी आधी इन्फॉर्मेशन ही दी है। हाँ, इसकी लोड कैपेसिटी है 7.7 LBS। यहाँ पे एग्जैक्टली दिया है कि इसकी फोल्डेड हाइट जो इसकी है 23.25 इंच है, एक्सटेंड होने पर 61 इंच। इसका वेट जो है 2.6 पाउंड है और इसमें भी, और इसकी जो इसमें एंटी शॉक रिंग है, इसकी जो बॉडी है वो बनी है एल्यूमिनियम ऐसा कुछ लिखा है। ओके, तो इसकी शिपिंग वेट है 3.5 पाउंड। तो इसमें इतना ही है, इसमें भी लिखा नहीं है कि कितना वेट उठा सकता है, बट आई गेस ये DSLR का वेट तो उठा ही सकता है। तो इसको जो है एक बार खोल के देख लेते हैं, बहुत ही बड़ा पैकेज है, थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पैकेज है, इसको जो है एक बार खोलते हैं। और इसका जो है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हम DSLR से करेंगे और दूसरा जो है Redmi Note 4 मैंने जो नया लिया है उससे करेंगे, तो उसका एक ये दोनों का कैमरा क्वालिटी का एक कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो ये जो अनबॉक्सिंग का जो एक वीडियो है
उसको हम DSLR से शूट करते हैं और उसके बाद इसका कंपैरिजन और इसको एक्सपांड करेंगे और सब चीज़ें जो है वो हम ये कैमरे से, मतलब ये Redmi Note 4 के कैमरे से शूट करेंगे। तो इसको जो है खोल लेते हैं, काफ़ी तगड़ा पैकिंग है। से ऊपर से हमने खाली खोल लिया है, पूरा वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। और एक और यहाँ पे सील है, इसको भी खोल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया पैकिंग हमारा जो है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने ट्राईपोड लिए थे, ये मैंने सोनी का लिया था, उसका इसके अलावा एक अभी जो ट्राईपोड पेज मैंने DSLR है वो एक लिया था, बाकी ये दो जो भी गोरिल्ला पोड है एक ये GoPro के साथ आया। तो इसका पैकिंग जो है वो ठीक ठाक ही थे, पर इसका कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Espod CX203 AGH एल्यूमिनियम एलोई ट्राईपोड विथ पिस्टल ग्रिप बॉल हेड, और ये कुछ स्पेनिश में लिखा है, इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी है कि आउटस्टैंडिंग लोडिंग कैपेसिटी परफेक्ट। आई होप आप देख सकते हैं, परफेक्ट फ्रिक्शन कंट्रोल, 360 रोटेशन, क्विक शो, वर्सटाइल मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग कैनोपी, और हैंडल करने में बहुत ही आसानी होती है इसमें। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये लोगों ने लिखा है कि इसमें वैनगार्ड है, ये पुणे से आया है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर पुणे का है, और इस पर MRP लिखी है 4,490 रुपीज़। और इसकी एक कुछ वेबसाइट लिखी है कस्टमर केयर के लिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है इसकी वैनगार्ड की, और ये नंबर भी वैसे पुणे का ही है, और वैनगार्ड म्यांमार से ही आया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय म्यांमार, तो म्यांमार में शायद इसकी फैक्ट्री कुछ होगी। और यस, इसका वेट है 1.2 kg, शायद आप देख सकते हैं इसको, 1.2 kg, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 3.5 kg है इसमें, तीन उसके लेग है, फोल्डेड हाइट जो है इसकी 590 mm है, और एक्सटेंडेड हाइट 1550 mm, या तो 61 inch या तो 23rd inch फोल्डेड हाइट। तो यही चीज़ें जो इसमें हमने पढ़ी थी, एक इसमें एक्स्ट्रा दे दिया है कि कितनी कैपेसिटी का लोड उठा सकता है, वो 3.5 kg तक का लोड ये उठा सकता है। मुझे पता नहीं मेरे DSLR का वेट कितना है। तो अब जो है इसको भी हम खोल लेते हैं। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे ट्राईपोड ही है तो इसमें कुछ खास ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती नहीं है। ये ट्राईपोड जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही आलीशान ट्राईपोड इमेज में दिखता है। बॉक्स है, ये हमारा ट्राईपोड निकल के आ गया है।
पैकेजिंग एकदम सिंपल और बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्राइपॉड आ गया है। यूजर मैनुअल कुछ लगा के दी है। तो इसके साथ ये कुछ मैनुअल है इसकी, और एक ये इसका कवर दिया है, या तो कैरी बैग भी आप बोल सकते हैं, कैरी बैग। और ये बहुत ही अच्छी है क्वालिटी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके पहले जो थी, वैसे सोनी का जो मैं ट्राईपोड लिया था उसमें कोई बैग आई नहीं थी, और ये जो रूटीन ट्राईपोड एक मेरा है कुछ 700-800 रुपये का मैंने लिया था, उसमें आई थी बैग, पर वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी। उसके कंपेयर में इसकी जो है क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे अपना आप देख सकते हैं ये ट्राईपोड है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन इसमें है। तो अनबॉक्सिंग हमने DSLR से शूट किया है, और अब जो है इसका पूरा जो रिव्यू है वो हम शूट करते हैं रेडमी नोट 4 से, तो इसका वीडियो क्वालिटी का भी कंपैरिजन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो इसका ये वनगार्ड का ट्राईपॉड है, इसका हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है और इसको बॉक्स में से बाहर निकाल लिया है। तो इसको जो है थोड़ा सा हम क्लोज लुक भी इसका देख लेते हैं कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है और इसमें क्या क्या फीचर है। कि एक्चुअली काफ़ी महंगा ट्राईपॉड आता है और बहुत ही प्रोफेशनल्स जो है कैमरा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं, या तो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले। तो इसके अंदर जो है ये मेन जो इसका फीचर है ये पिस्तौल गन है, आप देख सकते हैं इसका शेप भी गन जैसा है, और ये जो दिया है लॉक, ये भी जो बुलेट्स रखते हैं गन में उसके जैसा ही है, तो इसीलिए लोगों ने इसका नाम पिस्तौल गन रखा है। तो यहाँ पे जो है इसको हम ऐसा अनलॉक करेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा, और आपका जो कैमरा है वो 360 डिग्री पे आप उसको सेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो जैसे कि आपको आप समुद्र किनारे हो, या तो कोई आपका वाइड एंगल शॉट हो और आपको कैमरा घुमाना हो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पैनिंग करना हो, तो ये 360 जो है इसे आप कर सकते हैं, ये जो बॉल हेड है उसका यूज़ करके। और अगर आपको कोई बहुत बड़ी इमारत है जैसे एफिल टावर है या तो पेट्रोनास टावर है, तो उसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ पैन करना हो, वर्टिकल पैन करना हो, तो उसको आप इस तरह से वर्टिकल पैन कर सकते हैं। और जैसे आप कोई कुकिंग का वीडियो बना रहे हो, या तो आप टीचिंग कर रहे हो और आपको टेबल पे कुछ चीज़ें हैं उसको शूट करना है, तो इस तरह से आप कैमरे को रख के शूट करके यहाँ पे लॉक लगा दीजिए, आपका जो ट्राइपॉड है वो गिरेगा नहीं। इसकी कुछ कैपेसिटी 3 kg के आसपास है, तो DSLR को एक आसानी से जो है वो उसको उठा सकता है, उसका वेट जो है वो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और उसके अलावा यहाँ पे जो है एक और लॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस लॉक को आप इस तरह से खोल दीजिए, और यहाँ पे जो लॉक है एक गन का लॉक हम लॉक कर देते हैं, तो ये जो है ये मूव करेगी, ऊपर की जो रिंग है वो मूव करेगी। तो इससे क्या है कि आप एक हॉरिजॉन्टल या तो पेनोरामा कुछ लेना हो तो उसको भी आप ले सकते हैं इस कैमरा रख के, और या तो फिर आपको ऐसे ही कुछ सेट करना हो तो उसको सेट भी कर सकते हैं कैमरा, और फिर इसका लॉक लगा दें तो ये फिर फिक्स हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे एक लॉक, दूसरा लॉक और ये तीसरा एक लॉक है, तो इसको जो है यहाँ पे हम खोल देते हैं। ये हमारी जो है स्क्रू है इसका वो आ जाएगा, जो DSLR कैमराज या तो पॉइंट एंड शूट कैमराज जो है, या तो आपका कोई भी ट्राईपोड होता है, सेल्फी स्टिक होता है, सेल्फी स्टिक के नीचे भी इस टाइप का फीमेल स्क्रू आता है, इसके अलावा यहाँ पे जैसे GoPro है तो GoPro के साथ भी एक एक्सेसरीज आती है ट्राईपोड माउंट की, तो उसमें भी इस टाइप के स्क्रू आते हैं। तो आप जो है
इसको जो है यहाँ पे लगा दीजिए, और गोप्रो को भी इसके ऊपर आप माउंट कर सकते हैं, गोप्रो को भी ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं। आप जो है सेल्फी स्टिक का जो फोन का जो आता है माउंट, उसको इसके ऊपर लगा सकते हैं, और DSLR को ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके आप इससे जो है इस तरह से घुमा के इसको फिट कर सकते हैं। दोबारा की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप इसको फिट कर सकते हैं, और अब जो है आपका DSLR जो है इसको इसके अंदर आप लगा सकते हैं। इस ये लॉक को ऐसे खोल दीजिए और इसको फिर से यहाँ पे ये लॉक लगा दीजिए, जिससे कि ये कैमरा गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमने जो है अपना DSLR इसके ऊपर लगा दिया है, ऐसा ऊपर कर लेते हैं। और अब जो है इस लॉक को हम खोल देते हैं, और आप देख सकते हैं कि हम DSLR को ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा सकते हैं। कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जिसको हमको हॉरिजॉन्टल लेना होता है, तो उसको या तो पेनोरामा शॉट्स भी इससे ले सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल व्यू हम इसको घुमा रहे हैं, वो हम पहले पिस्तौल गन को हम एक सेट कर देते हैं एक एंगल पे, और फिर इसको वो एंगल पे हॉरिजॉन्टली घुमा सकते हैं। तो एक पूरा जो है नए टाइप का वीडियो या तो आपका फोटो आप खींच सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई है। अब जो है इसको पिस्तौल गन का जो है उसको हम थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, और अब देखिए कि आप जो है इसको इस तरह से भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के इसमें रोटेशन की फैसिलिटीज दी है, दो तरह के कस्टमाइजेशन हम बोल सकते हैं। इसको जो है एक सेट करके यहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो ये लॉक हो गया, तो ये गिरेगा नहीं। और उसके अलावा एक तीसरी चीज़ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। ये एक लॉक है ये वाला, तो इससे जो है कैमरा उसकी हाइट एक्सटेंड होती है। तो यहाँ पे जो है रिंग दी गई है, इसको भी इन लोगों ने बहुत ही बार मेंशन किया है प्रोडक्ट की जो फैसिलिटीज होती है उसमें, कि ये जब अगर गलती से गिर जाए ऐसे, तो ये शॉक प्रूफ ये हेड है, उसको शॉक प्रूफ बनाने के लिए यहाँ पे एक रिंग इन लोगों ने दी है, जिससे कि जो कैमरा है उसको ज़्यादा शॉक ना लगे। अगर इसके मतलब गलती से लॉक आप करना भूल गए, या तो थोड़ा सा वो ढीला हो गया, और ये अगर एकदम शोर से नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे ये जो रिंग है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दो और ये वाला तीन और चार टाइप के अलग अलग लॉक्स हैं। तो यही चीज़ है इसमें मेन, और ये एक मीटर है, और ये जो क्वालिटी है ऊपर का ये प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें जो है ये प्लास्टिक है, पर थोड़ा सा थिक है, मजबूत है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आपने देखा अभी मैं ही लॉक करना भूल गया था, तो ऐसे कई बार होता है, इसलिए इन लोगों ने रिंग दी है। और ये जो है यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो एक्चुअल में इसके महंगे वाले कुछ ट्राईपोड आते हैं, तो ये पूरे खुल जाते हैं, उसके जो ट्राईपोड्स है उसमें यहाँ पे शायद लोग आते होंगे, तो ये जो लेग्स है वो पूरे एकदम खुल जाते हैं। तो आपको कुछ एकदम डाउन शॉट्स लेने हो, डाउन एंगल वाले, या तो आप बोल सकते हैं कि जमीन के जो उसका लेयर होता है उसके पैरेलल के शॉट्स कुछ लेने हो, तो ट्राईपोड को एकदम खोल देना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है गोप्रो का वो एकदम खुल गया है पूरा, तो इससे जो है एकदम आप लो लेवल के शॉट्स ले सकते हैं, तो वो इसमें अभी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ महंगे ट्राइपॉड आते हैं इसके वैनगार्ड के, उसमें आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और एक कंपेरिजन यहाँ पे है, जैसे ये एक सोनी का ट्राइपॉड है, तो उसमें जो है ये भी काफ़ी महंगा ट्राइपॉड है, और इसकी जो क्वालिटी है
इसकी और ये काफ़ी हद तक सही है, मतलब सेम जितनी है, इसीलिए ये जो है स्टील या एल्यूमिनियम का है, इसके कारण इसका भी वेट है, इसका भी वेट ज़्यादा है और वेट है उसके सामने आपको मजबूती भी काफ़ी मिलती है और इसकी लेंथ कम है, इसके लेग्स जो है कम है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। और इसके अंदर आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ये जो हमारा है इसको आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल इसका रोटेशन है, और उसके अलावा जो है ये लोगों ने कुछ इस टाइप का कुछ किया है यहाँ पे, तो इस तरह से आप इस एंगल पे भी रोटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक दिक्कत ये है इसमें कि जो हमने यहाँ पे जो था इसमें ये ट्राइपोड में ये प्लेट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो नहीं है यहाँ पे, तो आपको जो है डायरेक्टली DSLR को इसके ऊपर स्क्रू लगा के माउंट करना पड़ता है, इसका जो स्क्रू है इसके अंदर, तो स्क्रू जो है इसका बार बार आप खोलेंगे और बंद करेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। जब भी ये अगर प्लेट है तो इसको प्लेट को एक बार इस पर DSLR पे लगा दो, और जब भी आप ट्राइपोड पे इसको माउंट करना चाहते हैं तो इसको प्लेट के थ्रू लगा दो, तो हर बार जो है DSLR को उसका जो स्क्रू है फीमेल टू मेल इसमें डालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बार बार उसको स्क्रू और अनस्क्रू करेंगे तो वो जो उसका उसके जो रिंग्स है वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये चीज़ इसमें नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसमें कुछ टाइम तक इसमें DSLR यूज़ किया था लगा के, पर बाद में फिर निकाल दिया क्योंकि एक बार ये ख़राब हो जाएगा तो इसका रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। ये ट्राइपॉड में ये एक नेगेटिव चीज़ है जो इसमें है, जो छोटा वाला ट्राइपॉड है उसमें भी आप इसके पावर कर सकते हैं, इसमें जो है इस टाइप की यहाँ पे शॉक को शॉक से बचाने के लिए कैमरे को उसमें रिंग नहीं है, जब जोर से ऐसे गिरेगा तो थोड़ा सा उसको झटका लगेगा कैमरे को, बाकी ओवरऑल दोनों की बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके ऊपर जो है आप गोप्रो को भी लगा सकते हैं, ये जो ट्राइपॉड है जो प्लेट है ये प्लेट पे ये माउंट कर दो और इसके ऊपर गोप्रो लगा दें, इसके ऊपर एक बार इसकी जो है लेंथ हम देख लेते हैं पूरी एक्सटेंड करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की ग्रिप्स दी गई है, तो इसको हम खोल देते हैं, काफ़ी हद तक बड़ा है देख सकते हैं, इस तरह से जो तीनों ग्रिप्स को मैं खोल दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये बहुत ही बड़ा ट्राइपॉड है, मतलब अभी तो मैंने उसका ये जो मिडिल वाला है उसको एक्सटेंड नहीं किया है, तो इसके ये हम सोनी का भी एक बार देखते हैं खोल के, इसका ट्राइपॉड है उसको भी खोल लेते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ट्राइपॉड है, कर देते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो ट्राइपॉड है कितना बड़ा है, तो वैसे अच्छा ही है, बड़ा ट्राइपॉड है तो उसके फायदे भी अनेक है, और उसका जो है ये
बार देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। वो ये तो बहुत ही काफी बड़ा है, मतलब इसका यूज करके आप किसी भी प्रकार का शूट कर सकते हैं, अपने आई लेवल पे, आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर का शॉट लेना हो, या तो कुकिंग के वीडियोस बनाने हो, या तो आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियो बनाने हो, इससे आप कुछ भी शूट कर सकते हैं इसको। मतलब उसकी हाइट बहुत ही बेहतरीन है, तो बस ये वीडियो में आई गेस इतना ही था। इसका थोड़ा सा बॉल हेड का आप क्लोजर लुक देख सकते हैं, इस तरह से ये मूव करेगा। ये वैनगार्ड का लोगो भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म कुछ शूट करना हो, शॉर्ट फिल्म्स बनानी है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप ले ही ले, ये बहुत ही काम की चीज़ है। थोड़ा सा हैवी है और मे बी ये वाली बैग में ये नहीं आएगा, इसके लिए मैंने ये सोनी का ट्राईपोड जो है छोटा वाला लिया था कि बैग में आ जाए। इसके पहले मैंने एक सस्ता वाला 1000 रुपये के अंदर का एक ट्राईपोड लिया था, जो फोल्डेड कंडीशन में जो है बहुत ही बड़ा था, तो जो है वो ये बैग में फिट नहीं होता है, तो फिर मैंने सोनी का लिया था। और ये थोड़ा स्टर्डी भी है, दोनों की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है लेंथ में, और जो उसका बॉल हेड है उसमें बहुत ही डिफरेंस है। उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स जो है वो स्मूथली आप शूट कर सकते हैं, बहुत टाइप के जो वीडियोज़ होते हैं पेनिंग जो होते हैं डिफरेंट, वो उसमें कर सकते हैं, और जो अपना कैमरा है वो अलग अलग एंगल पर फिक्स कर सकते हैं, और फिर आपका मन चाहे शूटिंग से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको ये लेना हो, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसके परचेज करने के लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ से एक बार देख लें। और सोनी का ये वाला जो ट्राईपोड है वो भी आप ले सकते हैं, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि तो ये बैग में आ जाता है, वो वाला जो है आई थिंक बैग में नहीं आता है, मतलब बैग पैक जो होता है उसमें नहीं आता है, तो उसको आपको सेपरेटली कैरी करना पड़ेगा। तो बस ये वीडियो में इतना ही।